ऐसा कहते हैं कि यहीं पर संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा की थी। मगर आकर के मैं एक धन्यता अनुभव करता हूं। आज ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा है, आज ही से भगवान भोलेनाथ की यात्रा भी शुरू हो रही है। मैं तीर्थ यात्राओं को सुखद यात्रा के लिए हृदयपूर्वक शुभकामनाएं देता हूं। कबीरदास जी की पंचशती पुण्यतिथि के अवसर पर साल भर यहां कबीर महोत्सव की शुरुआत हुई है। संपूर्ण मानवता के लिए संत कबीरदास जी जो उम्दा संपत्ति छोड़ गए हैं, उसका लाभ हम सभी को मिलने वाला है। खुद कबीर जी ने भी कहा है, तीर्थ गए तो एक फल, तीर्थ गए ते एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। यानी तीर्थ जाने से एक पुण्य मिलता है तो संत की संगत से चार पुण्य प्राप्त हो सकते हैं। मगहर की इस धरती पर कबीर महोत्सव में ये कबीर महोत्सव ऐसा ही पुण्य देने वाला है। भाइयों और बहनों, थोड़ी देर पहले ही यहां संत कबीर अकादमी का शिलान्यास किया गया है। करीब 24 करोड़ रुपए खर्च करके यहां महात्मा कबीर से जुड़ी स्मृतियों को संजोने वाली संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा। कबीर ने जो सामाजिक चेतना जगाने के लिए अपने जीवन पर्यंत काम किया, कबीर के गायन प्रशिक्षण भवन, कबीर नृत्य प्रशिक्षण भवन, रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, हॉस्टल, आर्ट गैलरी, इन सबको विकसित करने की इसमें योजना है। संत कबीर अकादमी उत्तर प्रदेश की आंचलिक भाषाओं और लोक विधाओं के विकास और संरक्षण के लिए भी काम करेगी। भाइयों और बहनों, कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज तथा असत्य के खंडन में व्यतीत